दोस्तों, सोनी सब पे आने वाला शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा बहुत लोग के प्रिय और पसंदीदा शो है। शो को बच्चे, बड़े और बुजुर्ग सभी देखना पसंद करते हैं और अब तो इस शो के 13 साल भी पूरे हो चुके हैं। इन 13 सालों में देश के लोगों को इस शो ने बहुत ही अच्छी तरह मनोरंजित किया है। यह शो शुरुआत से अपने कॉन्टेंट और कॉमेडी की वजह से काफी चर्चा में रहा है। शो से जुड़े हर कैरेक्टर अनोखे और मनोरंजित रहे हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब एक एपिसोड लिए कितनी सैलरी लेते हैं? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के ऐसे 10 किरदार बताएंगे जिसकी सैलरी ज्यादा है। दोस्तों, आप इस वीडियो को देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इस लिस्ट में 10वें नंबर पे है माधवी भिड़े। दोस्तों, इस शो में आत्माराम भिड़े की पत्नी माधवी भिड़े का किरदार सोनालिका जोशी निभा है। इनको हर एपिसोड के लिए 70 से 80 हजार रुपए मिलते हैं। नंबर 9, सोनू भिड़े। दोस्तों, आत्माराम भिड़े की बेटी सोनू भिड़े का किरदार सबसे पहले झिली मेहता निभाती थी, जिसके बाद निधि भानुशाली ने सोनू का अहम रोल बहुत सालों तक निभाया है, लेकिन अब सोनू भिड़े का किरदार पलक सिद्धवानी निभा रही है। दोस्तों, बात करें इनकी फी की तो इनको 50 हजार रुपए पर एपिसोड का मिलता है। नंबर 8, पोपटलाल। दोस्तों, तारक मेहता का उल्टा चश्मा टीवी शो में पोपटलाल का किरदार निभाने वाले श्याम पाठक को पर एपिसोड 35 से 40 हजार रुपए मिलते हैं। नंबर 7, तारक मेहता। दोस्तों, इस शो में तारक मेहता का रोल शैलेश लोढ़ा निभाते हैं, जो कि जाने माने एक प्रसिद्ध कवि भी है। इनको हर एपिसोड में 1 लाख रुपए मिलता है। नंबर 6, अंजलि मेहता। दोस्तों, पहले तारक मेहता की पत्नी अंजलि मेहता का किरदार नेहा मेहता निभाती थी, लेकिन अभी अंजलि मेहता का रोल सुनैना फौजदार निभाती है और इनको हर एपिसोड के लिए 35 से 45 हजार रुपए मिलते हैं। नंबर 5, सुंदर। दोस्तों, तारक मेहता का उल्टा चश्मा टीवी सीरियल शो में दया के भाई और जेठालाल के साले का किरदार मयूर वकानी निभाते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि मयूर वकानी रियल लाइफ में दया के भाई हैं और इनको पर एपिसोड लगभग 40 हजार रुपए मिलते हैं। नंबर 4, टप्पू। दोस्तों, पहले इस शो में जेठालाल के बेटे टप्पू का किरदार भव्य गांधी निभाते थे, पर अब राज आनंद कट निभा रहे हैं। अगर बात करें इनके पर एपिसोड फीस की तो इनको एक एपिसोड के लिए 25 से 30 हजार रुपए दिया जाता है। नंबर 3, दया। दोस्तों, तारक मेहता का उल्टा चश्मा टीवी शो में जेठालाल की पत्नी का किरदार दिशा वकानी निभाती है, लेकिन पिछले 3 सालों से इस शो में नजर नहीं आई है। जब वह इस शो में काम कर रही थी तब एक एपिसोड के लिए 1.5 लाख रुपए चार्ज करती थी। नंबर 2, चंपक लाल। दोस्तों, तारक मेहता का उल्टा चश्मा टीवी सीरियल में जेठालाल के बापूजी का किरदार यानी कि चंपक लाल का किरदार अमित भट्ट निभाते हैं, और जब से तारक मेहता का उल्टा चश्मा टीवी सीरियल की शुरुआत हुई तब से लेकर आज तक चंपक लाल का किरदार अमित भट्ट ही निभा रहे हैं। ये 70 से 80 हजार रुपए पर एपिसोड के लिए लेते हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में पहले नंबर पर है जेठालाल। दोस्तों, तारक मेहता का उल्टा चश्मा टीवी सीरियल में जेठालाल का किरदार दिलीप जोशी निभाते हैं, इनको पर एपिसोड के लिए 1.5 लाख रुपए मिलते हैं। दोस्तों, आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें।